बीच टेम्पो ना, और कितना वक्त लगेगा? वो केलों का ट्रक आता ही होगा। अयो, हम अपना बेटा थी रंगनाथन को जल्दी से रिपेयर करने का फुल ट्राई करते। वरी नॉटी, वो बनाना वाला ट्रक सन सिटी में घुसने से पहले ही हम उधर पहुँच जाएगा जी। ईश, मम्मी प्लीज उस केलों के ट्रक की रक्षा करना। गुड मॉर्निंग मेयर अंकल। अरे आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं किको, वो एक केले के ट्रक की डिलीवरी लेने जाना था, पर टेम्पो अन्ना की कार खराब हो गई। केले? कहाँ है केले? उन्हें खाऊंगा मैं सारे के सारे अकेले। अयो, वो कोई नॉर्मल केला नहीं है जी, मालूम है वो टेम्पो अन्ना। ऐसे खुलेआम उन स्पेशल केलों के बारे में बात मत करो। गेम ऑन। अब पीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। स्पेशल केले यानी हम उन केलों को एक वर्ड में कह सकते हैं प्रेशियस। प्रेशियस से भी ज्यादा प्रेशियस, वेरी वेरी प्रेशियस। केले सुन के भूख लग गई, इसी बात पे कुछ बनाना कैंडीज खा लेता हूँ। बोलो चटपट, क्या खबर है? टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होते हुए भारी भरकम मेंढक घूमते फांदते चिड़िया के घोंसले में घसने वाला। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि वो केले से लदा ट्रक कुछ ही देर में सन सिटी के अंदर दाखिल हो जाएगा, हमें जल्दी चलना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा सीक्रेट है जिसके लिए सबने इतनी टेंशन ली हुई है। सॉरी किको, ये मैं तुम्हें अभी यहाँ इस खुली जगह में नहीं बता सकता। बॉस कुछ गड़बड़ लग रही है, ट्रक भगाऊं? इन बंदरों से क्या डरना, इन्हें तो मैं चुटकियों में ले लिया। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, सिग्नल हाईवे की तरफ से आ रहा है। ईश, वहीं से तो वो केलों का ट्रक आ रहा है। मम्मी बचाओ। मेरे अंकल, आखिर उस ट्रक में ऐसे कौन से केले हैं जिनके लिए आप जो हो रहे हैं उसे वन वर्ड में कहते हैं वरीड? अभी वो सब समझाने का टाइम नहीं है किको, हमें जल्द से जल्द हाईवे पे जाना होगा, वरना सन सिटी के गवर्नमेंट के बैंक का नुकसान हो जाएगा। किको और सुपर स्पीडो के रहते सन सिटी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं अभी सुपर स्पीडो को बुलाता हूँ। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। हाईवे पे कोई गड़बड़ हो रही है, हमें जल्दी से वहाँ चलना होगा। फॉर्मूला नंबर 55 लगाओ। यस ब्रो, अभी लगाता हूँ फॉर्मूला 55। Ha 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 ha
अरे वो तीनों केले तो गायब हैं। मेयर जी, वो तीनों केले, तीन बंदर चोरी करके साइकिल पे भाग गए। क्या? ईश, मम्मी, अब क्या करेंगे हम? मेयर अंकल, आप परेशान मत होइए, तीन ही केले चोरी हुए हैं, यहाँ अभी बहुत सारे बचे हुए हैं। जो तीन केले चोरी हुए हैं, वो कोई मामूली केले नहीं थे। तो फिर मेयर अंकल, उनमें खास बात क्या थी? अब वो तीनों केले सोने के केले थे, जो कि इन असली केलों के साथ छुपा के मुझे सेफली हमारे सन सिटी के गवर्नमेंट बैंक में पहुंचाने थे मम्मी। यानी दो वर्ड्स में कहें तो गोल्डन बनानास। आप परेशान मत होइए अंकल, मैं अभी उन बंदरों का पीछा करके वो गोल्डन बनानास वापस लेकर आता हूँ। चलो सुपर स्पीडो। हाँ हाँ चलो सुपर स्पीडो, हम भी चलेंगे। लेकिन कीको, पता कैसे चलेगा कि वो बंदर किस डायरेक्शन में भागे हैं? ड्राइवर अंकल ने बताया था कि वो बंदर साइकिल पर था। सुपर स्पीडो, वो रहे साइकिल के टायर्स के निशान, इन्हें फॉलो करो, ये हमें जरूर उन बंदरों तक पहुंचाएंगे। कूल आइडिया कीको, टायर्स के निशान मिल गए, अब वो बंदर कहां से गए? सुपर स्पीडो, वो रहे तीनों मंकीज। हेलो मंकीज, वो गोल्डन बनानास वापस कर दो, चोरी करना रॉन्ग है। कीको, उन्हें तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही है, उन्हें मंकी वाली लैंग्वेज में समझाओ। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। तो ब्लास्ट में जल गई होगी। अरे जोडो, वो मूंगफली नहीं बल्कि पीनट की शक्ल में बॉम्ब्स हैं। अच्छा हुआ तुमने उसे खाया नहीं, वरना वो धमाका तुम्हारे पेट में होता। कीको, कहीं ये रोबोटिक मंकीज तो नहीं है? रॉकेट फायर करो। नहीं सुपर स्पीडो, वो असली मंकीज हैं, क्योंकि रोबोटिक मंकीज कभी केले नहीं खाते, लेकिन उन्होंने खाए थे और छिलके डोडो के मुँह में फेंके थे। स्पीडो, इस बार उन मंकीज को छोड़ना मत और सही मौका देख के फॉर्मूला नंबर 333 लगाना। इनिशिएटिंग फॉर्मूला 333। कीको, मुझे खुद को रिपेयर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है सुपर स्पीडो, तब तक मैं इन मंकीज का पीछा करता हूँ। ये मंकीज पानी पे कैसे चलने लगे? कुछ तो गड़बड़ है, लगता है उनका पीछा करने के लिए मुझे भी पानी पे चलने की कोशिश करनी होगी। Oh, my God.
थैंक यू सुपर स्पीडो, अब जल्दी से उन माउंटेन्स की तरफ चलो, वो दोनों मंकीज वही भाग के गए हैं। उन दोनों मंकीज का तो कोई नामो निशान नहीं है, वो आखिर गए कहाँ? उस तीसरे मंकी को मैंने सनसिटी में कैद करके रखा है। ओके, तो फिर वही चलो, शायद उसके थ्रू कोई लीड मिल जाए। मांटू मदारी मस्त कलंदर, रिमोट से करे कंट्रोल अपने बंदर। ये गोल्डन केले तो तुम लोग ले आए, मगर चिंपू को वहीं उनके पास छोड़ा है। हो बंदर, मगर काम किया है गधों वाला, लेकिन अब सजा घोड़ों वाली मिलेगी। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पैरों में जो एंकरेज बंधे हैं, उनको मैं अपने इस रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकता हूँ, और फिर तुमसे जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को घोड़े की तरह किक्स मारो। मांटू मदारी मस्त कलंदर, रिमोट से कंट्रोल करे अपने बंदर। अब कान खोल के सुनो, सन सिटी जाओ और सही मौका देख के चिंपू को छुड़ा के ले आओ। मांटू मदारी मस्त कलंदर, रिमोट से कंट्रोल करे अपने बंदर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो मंकीज आखिर पानी पे कैसे चले। हाँ, ये एंकलेट कैसी है और इस पे तो मोंटू मदारी लिखा है। किको, मैंने इस एंकलेट को स्कैन कर लिया है, ये कोई मामूली एंकलेट नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग डिवाइस है, जिसे एक रिमोट के जरिए कंट्रोल करके मंकी से कुछ भी करवाया जा सकता है। इसका मतलब कोई मोंटू मदारी नाम का इंसान इन बंदरों को कंट्रोल करके उनसे चोरी करवाता है। वो सब तो ठीक है, मगर उन असली केलों के बीच वो तीन गोल्डन केले भी रखे गए थे, ये बात मोंटू मदारी को कैसे पता चली? ये बात तो केवल मैं, टिप्पणा, झटपट और उस ट्रक का ड्राइवर ही जानते थे। बात तो सही है, कहीं वो ड्राइवर मोंटू मदारी तो नहीं? हो सकता है सुपर स्पीडो, चलो हम चल के उसे ढूंढते हैं। तब तक आप लोग इस मंकी पे नजर रखेगा, कहीं वो मोंटू मदारी इसे छुड़ाने ना आ जाए। हम उस ड्राइवर को ढूंढेंगे कैसे? हमें तो उसके घर का एड्रेस भी नहीं पता। किको, सुपर स्पीडो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वो ड्राइवर कहीं खो गया है। तीनों गोल्डन केले चोरी होने के बाद से ही उसकी कोई खबर नहीं है। किको, कहीं हमारा शक सही तो नहीं है? मुझे लगता है कि ड्राइवर ही मोंटू मदारी बन के उन बंदरों से चोरी करवा रहा है। चेक करना पड़ेगा, क्या आपको ड्राइवर का घर पता है? हाँ पता है ना, वो सन सिटी के दूसरे छोर पे रहता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ चलकर उनके घर का रास्ता बताइए। अयो, इस खरामती बंदर के साथ ही एक सेल्फी तो बनते ही है जी। अयो, हमारे कैमरे का फ्लैश इतना पावरफुल कैसे हो गया जी? ओरी मोरी बंदर, ये बंदर फिर आ गए यहाँ पर। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, सुपर स्पीडो वापस चलो। अयो,
टेम्पो ना के होते हुए तुम लोग ये तीसरा बंदर नहीं लेके जा सकता जी। मछली की आंख में मारा तीर फिसल के तितली की गोद में जा गया। मतलब सर पहली में कह रही हैं कि सर का हाथ फिसलने वाला है। वो दोनों बंदर उस तीसरे बंदर को अभी अभी छुड़ा के भागे हैं उस डायरेक्शन में। प्लीज उन्हें पकड़ के लाओ। हाँ? उनकी साइकिल तो यहाँ है पर वो तीनों कहाँ गए? इस बार मैं भी इनके ठीक पीछे ही जाऊंगा। जहाँ जहाँ ये पैर रखेंगे वहीं मैं भी अपने पैर रखूंगा। सुपर स्पीडो, तुम फॉर्मूला नंबर 555 लगाओ और साइज रिड्यूस करके मेरे कंधे पर आ जाओ। अरे ये तो क्यूब है। अब समझ में आया कि वो मंकीज एक्चुअली पानी पे नहीं बल्कि इस ट्यूब पे चल रहे थे। जप्पी तो 80 भी दे दो। मुझे पता है कि कोई तुमसे चोरी करवा रहा है। तुम अगर हमें बता दो वो कौन है तो हम उसे पकड़ सकते हैं। रुको, पहले इनके एंटलेट्स काट देता हूँ। लगता है ये एंटलेट्स ऐसे नहीं टूटेंगे। हमें इसके रिमोट तक पहुँचना ही होगा और उस रिमोट तक पहुँचने के लिए हमारा उस आदमी तक पहुँचना जरूरी है जो कि रिमोट के जरिए इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है। तुम तीनों रहते कहाँ हो? देखा किको, हमारा शक सही था। ये ड्राइवर ही है जो इन बंदरों से चोरी करवाता है और खुद यहाँ आराम से सोता है। मुझे लगता है ये सो नहीं रहे बल्कि ये बेहोश है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ड्राइवर अंकल रिलैक्स, मैं किको हूँ। ये बताइए कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं?
पता नहीं किको, कोई मेरे आँखों पर पट्टी बांधकर यहाँ ले आया, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। किको, मुझे लगता है यही है मोंटू मदारी, हमें देख के झूठ बोल रहा है। एक काम करते हैं, सबको लेके सनसिटी चलते हैं, फिर वही होगा फैसला। किको, हो ना हो ये ड्राइवर ही मोंटू मदारी है, वो गोल्डन केले जरूर इसी के पास होंगे। अभी पता चल जाएगा मेयर अंकल, कम ऑन सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 888। मैंने उस रिमोट से निकलने वाली वेव्स को ट्रेस करके एक ऐसा सिग्नल बनाया है जिसे सेंड करते ही वो रिमोट जहाँ कहीं भी होगा जोरों से वाइब्रेट करने लगेगा, और जिसके पास भी वो रिमोट कंट्रोल होगा वही है असली मोंटू मदारी। सिग्नल भेजना बंद करो सुपर स्पीडो, असली मोंटू मदारी का पता चल गया है। इन्होंने ही ड्राइवर अंकल को किडनैप करके अपने अड्डे पे छुपाया था ताकि हम उन्हें मोंटू मदारी समझें। वाह, मानना पड़ेगा किको और सुपर स्पीडो, तुम दोनों की सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं। मैंने सोचा था कि इन तीनों बंदरों को कंट्रोल करके चोरी करवाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा, लेकिन अब तुम्हारी इस होशियारी की सजा पूरी सन सिटी को भुगतनी पड़ेगी। मोंटू मदारी मस्त कलंदर, रिमोट से करे कंट्रोल अपने बंदर। अब देखते जाओ कैसे मैं इन तीनों बंदरों से पूरी सन सिटी को तबाह करता हूँ। मुझे उन तीनों बंदरों के एक्टिव होने से पहले ही उस रिमोट को तोड़ना होगा। अब लगता है मेरी ओ किक का टाइम आ गया है। दूसरे फांदे बंदरों को हाथी की गोद में बिठाने का वक्त आ गया। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट।